फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किड स्पेशल में चॉकलेट पुडिंग बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही जल्द बन जाती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो स्टार्ट करेंगे बनाना इसे। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम एक गिलास भरकर दूध ऐड करेंगे। इसको बॉईल होने देंगे। सबसे पहले हमें चॉकलेट कस्टर्ड बनाना है और दूध को बॉईल होने देंगे। तब तक हम देख लेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक रेगुलर कॉफी, एक चम्मच, 1 टीस्पून लेवल्ड हम कॉफी का लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक चम्मच कॉफी को हम पानी में घोल लेंगे। थोड़ा सा हम, ये देखिए, इतना हम बिल्कुल थोड़ा सा गिलास दूध का लेंगे। उसमें हम कॉर्न फ्लोर, ये जो मार्केट से मिलता है, उसके 2 चम्मच हम कॉर्न फ्लोर के ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये जो कॉफी हमने पानी में मिक्स करी थी, वो इस तरह से दूध में डाल लेंगे। 2 से 3 छोटे चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देंगे। बाकी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से शुगर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जब इसमें दूध में हल्का उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो हम ये कॉर्न फ्लोर जो दूध में हमने घोल के रखा था, उसको इस तरह से धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यूअसली इसको हिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो इसको हमने, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए अच्छे से, इसी तरह से हिलाते जाएंगे। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चुटकी सॉल्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, एक पिंच, एक चुटकी जितना मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चॉकलेट, कोई सी भी हो, डेयरी मिल्क चॉकलेट हो तो बहुत ही बढ़िया है, वो ऐड कर देंगे इसमें गरम गरम में। ये साथ ही इसके मेल्ट हो जाएगी। आधा छोटा चम्मच इसमें हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। चॉकलेट कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम देख लेंगे हमें ये जो डेजर्ट और पुडिंग है, इसको बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक लिए हैं बिस्किट। ओरियो बिस्किट से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बाकी आपके पास कोई से भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट हो, आप वो ले सकते हैं। इस तरह से मिक्सी में चलाकर हम उनको पाउडर कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से नट्स ले सकते हैं, एलमंड्स लिए हैं मैंने यहाँ पर, आप अखरोट की गिरियां ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई नट्स नहीं भी डालना चाहते तो भी ये बहुत ही यमी बनती है। और एक हम करेंगे चॉकलेट को ग्रेट। कोई सी भी चॉकलेट आपको पसंद हो, उसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रखिए और उसको ग्रेट कर लीजिए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये चॉकलेट कस्टर्ड हमारा बहुत गाढ़ा हो गया, मजेदार सा हो गया है। अब इसको हम रेडी करेंगे। जिसमें भी हमें ये पुडिंग बनानी है वो ले लेंगे, चाहे तो गिलास या डिस्पोजेबल कुछ भी। सबसे पहले हम इसमें ये जो बिस्किट का हमने पाउडर बनाया था वो ऐड करेंगे।
उसके बाद ये जो नट्स रखे थे वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो केयरफुली डालेंगे ताकि गिलास की या डिश की हमारी साइडों पे ना लगे इस तरह से। फिर से हम इसके ऊपर इसी तरह से बिस्किट की लेयर लगा देंगे। और दोबारा से कस्टर्ड, ऊपर थोड़े नट्स डाल देंगे और साथ ही में जो हमने चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। सुपर यमी और बनने में एकदम इजी चॉकलेट पुडिंग रेडी है बनकर। दे सकते हैं आप अपने बच्चों को बनाकर और फैन हो जाएंगे वो आपके। और मुझे प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइए भी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।